हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर करने वाले हैं मेमोरी सेशन को। यानी देखो, ये आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है चीज़ की मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, यानी कंप्यूटर के मस्तिष्क के तुलना में है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कुछ याद कर लेते हैं ना तो मेमोरी में सेव हो जाता है, वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। ओके, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन। यानी क्या करते हैं, हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं, किसी इंस्ट्रक्शन को भी। कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोरेज स्पेस इज कंप्यूटर वेयर डेटा इज प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर। मतलब क्या है, हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को और कोई डेटा देते हैं तो वो क्या होता है, प्रोसेस करके उस चीज़ को स्टोर कर लेता है। द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल सेल। यानी जो मेमोरी होता है एक बड़े पैमाने पर बड़े नंबर में और स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता है, इसे कहते हैं सेल। ईच लोकेशन और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम जीरो टू मेमोरी साइज मेन्यू मीन माइनस वन। ठीक है, ये माइनस वन में सेट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ कंप्यूटर हैज़ 64K वर्ड्स देन 64K मतलब होता है की का मतलब होता है 100 रिलेटेड है, ठीक है ना, वर्ड्स। देन द मेमोरी यूनिट्स हैज 64 × 1024 यानी 1024 इजिकल टू ये इतना मल्टीप्लाई करने पे आता है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन होता है। इसको छोड़ दो, आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ है कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। यानी क्या होता है, मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या होता है, रैम आएगा, रोम होगा, ठीक है, रोम हो जाएगा। रूम के बाद क्या हो जाएगा, कैचेस हो जाएगा, कैचेस के बाद क्या हो जाएगा, रजिस्टर। तो ख्याल रखना यहाँ पे एक सीरीज होता है, एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी पूछ देता है कि इसका सीरीज क्या है छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटी मेमोरी क्या है, रजिस्टर, उसके बाद क्या है, कैच, उसके बाद क्या है, रोम, उसके बाद क्या है, रैम, क्लियर, ठीक है। यानी सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है और सबसे छोटी मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है। ओके, अब बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी मतलब क्या है, जो बाहरी मेमोरी होती है, यानी एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाएगा, यानी सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव आ जाएगा, हार्ड डिस्क वगैरह आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ें, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं आगे। कैश मेमोरी क्या है उसको समझ लो थोड़ा सा। कैश मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी। एक सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है जो बहुत ही हाई स्पीड होती है, विच कैन स्पीड अप CPU, ठीक है, जो इस CPU की स्पीड को बढ़ाती है। इट एक्ट अ बफर बिटवीन अ CPU एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी और CPU के बीच क्या करती है, एक बफर काम करती है। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय CPU। यानी CPU के माध्यम से ये बार बार यूज होती है। द पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क टू कैश मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, समझ लो उसको अच्छे से। यानी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछ रहा है, तो प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं कि मेन मेमोरी, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन होता है कि मेन मेमोरी किसको कहा जाता है, तो मेन मेमोरी कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है। ओके, यानी रैम रोम इसके अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे क्या चीज़ है, जिससे क्या होता है कि दीज आर सेमी कंडक्टर मेमोरी होती हैं, इट इज़ नोन एंड मेन मेमोरी, ठीक है, इसको हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। और यूजली वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, तो पूछा कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो उसको ख्याल रखना, ठीक है ना। एक होता है अस्थाई, कहते हैं टेम्पररी, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब होता है, और ठीक है, मतलब ये है कि एक होता है वोलेटाइल मेमोरी, एक होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, एक होता है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। डेटा इज लॉस्ट केस पावर ऑफ, मतलब स्विच ऑफ हो जाएगा, अगर पावर गया तो डेटा भी लॉस हो जाएगा। इट वर्क इन मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तीव्र गति से काम करती है। लेकिन एक और चीज़ में प्रॉब्लम होता है कि अगर पावर ऑफ हो गया तो डेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे रैम लगा हुआ है, ये चीज़, ठीक है। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन आल्सो एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब क्या, जो परमानेंट हो, परमानेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब अगर पूछे कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी तो ट्रू है, ठीक है। यानी एक्सटर्नल मेमोरी क्या कहलाएंगी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी परमानेंट में स्टोर होता है। इट इज़ अ स्लोअर देन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी की तुलना में स्लो होता है, ठीक है ना।
ओके, लेकिन इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। जैसे इस एग्जांपल में क्या है आपके पास, सीडी रोम डीवीडी वगैरह इसमें आएगा। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी होता है इसमें, और इट इज़ नोन एज बैकअप मेमोरी, इसको हम कहते हैं बैकअप मेमोरी। मतलब क्या कि आप बैकअप बना कर रखते हो ना, मतलब भविष्य में इसको यूज़ करना हो तो यूज़ कर लो। और इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, जो परमानेंट होता है। ओके ठीक है, डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन अ पावर इज स्विच ऑफ, अगर पावर स्विच ऑफ भी होता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेटा आपने स्विप करके रखा है, जब आप चाहो इसको यूज़ कर पाओ। इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज डेटा एंड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में इसको स्टोरेज करने के लिए, यानी किसी डेटा को सेव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, यानी क्या, कंप्यूटर को रन चलाना है तो हम बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी चला सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी आवश्यक होगा। ठीक है, स्लोअर दैन प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो होता है। ये आप देख सकते हो हार्ड डिस्क का एक बॉक्स दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें डीवीडी लगे, ये पूरा डस्ट फ्री होता है, इसको पैक किया जाता है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कि रैम क्या होता है, तो रैम समझ लो थोड़ा थोड़ा। ये रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ अ इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, ठीक है, इन टेम्पररी रूप से जो सीपीयू में डेटा स्टोर करता है वो रैम कहलाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ रीड राइट मेमोरी, इसको बोलते हैं रीड राइट मेमोरी बोलते हैं ना। ओके, एक्सेस टाइम इन रैम इज इंडिपेंडेंट ऑन द एड्रेस, दैट इज ईच स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द मेमोरी इज एज इजी टू रीच द लोकेशन। मतलब क्या, सिंपल सा कि हम इसमें फ्री होते हैं, अगर किसी डेटा को मूव करना है एक स्थान दूसरे स्थान मूव कर सकते हैं, और पावर ऑफ होती तो वैसे भी इसका डेटा इरेज हो जाता है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक यानी जो सेट हो जिसका इंस्ट्रक्शन मिटाया ना जाए, एक होता है डायनामिक मतलब जिसको हम डी रैम बोलते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, एक होता है वी रैम, ठीक है ना, वीडियो रैम। तो तीन इसके टाइप होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझो, स्टैटिक रैम क्या होता है। स्टैटिक रैम यहाँ लिखा कि वर्ड स्टैटिक इंडिकेट दैट इज मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज अ लॉन्ग एज पावर ऑफ, मतलब अगर पावर ऑफ हो जाए तो उस टाइम तक ये रहता है, ठीक है ना। ओके, डायनामिक रैम क्या होता है, डायनामिक रैम अनलाइक एस रैम, ठीक है, और मस्ट बी कंटिन्यूली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा, दिस इज डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन रिफ्रेश सर्किट एंड री राइट द डेटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड। यानी जो डी रैम होती है एक सेकेंड में 100 टाइम फ्लैश होती रहती है ना, मतलब कि फिर से एकदम रिफ्रेश हो जाती है, नए तरीके से काम कर। अब ये है रोम, ठीक है, रोम क्या है, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट। इसमें क्या कर सकते हैं, इस मेमोरी के अंतर्गत हम केवल मैटर को रीड कर सकते हैं और इसको राइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, जब हम मेमोरी को बनाया जाता है मैन्युफैक्चर यानी निर्माण कार्य के दौरान, ठीक है, तो उसी टाइम इसमें डेटा फीड कर दिया जाता है। आ रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंप्यूटर, दिस ऑपरेशन इज रिफ्रेश बूटस्ट्रैप। रोम चिप आर नॉट ओनली यूज फॉर द कंपोनेंट बट आल्सो द अदर इलेक्ट्रिक आइटम लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन। देखो जो रोम होता है, रोम में ही बायोस की पूरी सेटिंग होती है, यानी जो कंप्यूटर ऑन करते हैं हम, ठीक है, तो इसका जो सेटिंग होती है वो रोम में होती है। ये रोम का फिगर है, ठीक है। रैम कैसा था, रैम आपने देखा था, रैम उसका था आकार थोड़ा इस साइड का था, यानी इसका डिस इसका जो लेंथ था वो थोड़ा लंबा था, ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना, इसको कहते हैं रोम, ठीक है। रोम कुछ टाइप भी है, उनको देख लो, एक है एम रोम यानी मास्क रोम, द वेरी फर्स्ट रोम वेयर हार्डवेयर डिवाइस दैट कंटेन अ प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन, यानी प्री प्रोग्राम पहले से ही उसमें डेटा फीड करके दिया जाता था। दीज काइंड ऑफ रोम आर नोन एज मास्क रोम विच आर इनएक्सपेंसिव। इसके बाद है पी रोम, पी रोम मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी पी रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाई ओनली वन बाई यूजर, यानी यूजर के माध्यम से इसको रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई संशोधित किया जा सकता है, यूजर के माध्यम से। द यूजर बाई अ ब्लैंक पी रोम, यूजर इसको ब्लैंक खरीद सकता है एंड इंटर द डिजायर कॉन्टेंट, जो चीज़ को चाहिए वो प्रोग्राम उसमें इंटर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है कि ई पी रोम यानी इरेजबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको आप ख्याल रखना, याद कर लेना। द ई पी रोम कैन बी इरेज बाई एक्सपोजिंग इट अल्ट्रा वायलेट किरण, यानी जो यूवी किरण होती है ना उसके माध्यम से इसको क्या किया जाता है, इरेज किया जाता है, ठीक है ना।
और ड्यूरेशन इन अप टू 40 मिनट के अंदर, ठीक है ना। यूजली ई पी रोम एजर अचीव दिस फंक्शन, मतलब क्या है, जो ई पी रोम होता है इसमें जो इरेज करने का प्रोसेस होता है वो होता है अल्ट्रा वायलेट किरण से इसको इरेज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब बात करते हैं ई ई पी, जो डबल ई पी रोम होता है ना उसको समझ लेना। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी क्या है, इज अ प्रोग्राम द एंड इरेज इलेक्ट्रिक, यानी इसका जो इरेज करने का प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रिकली होता है। इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम, मतलब क्या होगा, हम 10,000 बार इसमें प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 ms, ठीक है ना। इसको जब इरेज करने का प्रोसेस होगा वो 10 से यानी 4 से 10 मिली सेकेंड के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। ओके,